टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। फ्रूट का डिस्पर्सल और सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है? तो फ्रूट और सीड्स का डिस्पर्सल हमारा विंड, वाटर और एनिमल्स के थ्रू आता है, ठीक है। वो कैसे होता है? द सीड्स विच आर लाइट स्मॉल एंड हैव टफ ऑफ सिल्की हेयर ऑन दियर बॉडी आर कैरी ए अवे टू डिस्टेंस पैलेस बाय द विंड। सीड ऑफ डैंडेलियन, ड्रमस्टिक, मेपल्स, मदार एंड फ्रूट ऑफ एसर्स एंड सनफ्लावर डिस्पर्स बाय विंड। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसके सीड्स होते हैं एकदम हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, सिल्की जैसा होता है, जो एयर के साथ वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कभी आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिन में वाइट कलर का उड़ते रहता है, रुईया जैसा रहता है, जैसे बच्चे लोग उसको पकड़ते भी हैं खेलने के लिए। देखोगे अगर उसको पकड़ के देखोगे तो उसके अंदर छोटा सा बीच में उसका ब्लैक कलर का दिखेगा, जो क्या होता है, सीड्स होता है उसका। तो उसी तरह से जो जितना भी हल्का होता है, स्पॉन्जी होता है, जो भी स्मॉल साइज का होता है या हेयरी टाइप का सीड्स होता है, वो सारे विंड के थ्रू कैरी होके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट बाय वाटर। वाटर के थ्रू हमारा सीड्स और फ्रूट कैसे डिस्पर्स होता है? सीड्स एंड फ्रूट्स हैव स्ट्रक्चर फेवरेबल और फॉर फ्लोटिंग आर डिस्पर्स बाय वाटर। करें कुछ सीड्स और जो फ्रूट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर से ही फेवरेबल होते हैं फ्लोटिंग करने के लिए। जैसे हम लोग कोकोनट को ले लो, कोकोनट क्या होता है, अधिकतर हमारे सी एरिया में जैसे एक्वाटिक प्लांट तो होते ही सी एरिया के बगल में या वाटर के बगल में, लेकिन देखते हो कोकोनट का पौधा जो देखते हो अधिकतर कहाँ रहता है, सी सोर्स के बगल में या जहाँ भी समुद्री इलाका है उसी के आसपास पे ही आपका कोकोनट का प्लांट रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी आपका कोकोनट नीचे गिरता है तो वो वाटर में गिरता है और वो फ्लोट करते रहता है। तो फ्लोट क्यों करता है? ये कोकोनट हमारा किस चीज़ का बना होता है, देखिए यहाँ पल्पी टाइप का रहता है, उसके अंदर वाटर रहता है, उसके ऊपर ये फाइब्रस रहता है जो स्केलमस टिश्यू का बना होता है। ये फाइब्रस के कारण ही वो वाटर में फ्लोट करते रहता है। तो जितना भी ये कोकोनट है, लिली है, लोटस है, इसके सीड्स और फ्रूट, ये क्या हो गए, हमारे फ्रूट्स हो गए। जैसे लिली है, लोटस है, इसके क्या निकलेंगे, सीड्स होंगे जो वाटर में फ्लोट करते हैं और फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह हमारा सीड्स और फ्रूट का वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट बाय एनिमल। एनिमल्स के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है? कुछ सीड्स ऐसे जिस सीड्स एंड फ्रूट विच आर डिस्पर्स बाय एनिमल आइदर एडिबल और हैव हुक, बार्क, स्पाइन, ब्रिस्टल एंड स्टिफ हेयर ऑन दियर सरफेस। पर कुछ ऐसे सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं जिसके सरफेस पे हुक जैसा लगा रहता है, स्पाइन लगा कटीला रहता है और हेयरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिस किसी के बॉडी में अटैच हो जाता है, चिपक जाता है और एक जगह से वो दूसरे जगह चला जाता है। जैसे जैंथियम्स का ये फ्रूट है, इसमें क्या है, कांटा जैसा निकला रहता है। तो किसी भी एनिमल्स के टेल्स में लग के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, किसी के कपड़े के साथ अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, किसी भी ह्यूमन बींग्स के थ्रू। तो ऐसे टाइप्स के सीड्स जो होते हैं या फ्रूट्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, किसके थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, ह्यूमन बींग्स के थ्रू। कुछ एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट को खाते हैं। जैसे एनिमल्स हैं फ्रूट को खाना शुरू किए और चलते चले गए, और फ्रूट्स को खाते हैं और चलते चले जाते हैं, तो क्या चबाते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। तो एक जगह तो उन्होंने फ्रूट लिया और दूसरी जगह चबाते हुए जब वो खा जाते हैं उसके बाद वो उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो एक जगह से वो दूसरी जगह चला गया। उसी तरह कुछ बर्ड्स हैं जो खाते हैं ये फ्रूट्स को, ये चोंच में दबाते हैं फिर उसको लेके उड़ जाते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जहाँ पे वो खाएंगे वहीं पे उसका सीड्स गिरेगा। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह वो डिस्पर्स हो जाता है। फ्रूट्स और सीड्स हमारे एनिमल्स के थ्रू भी डिस्पर्स हो जाता है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, रिप्रोडक्शन चैप्टर आज हम लोग का ये कम्प्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा।